सारा नूडल्स वेजिटेबल के साथ स्वास्थ्य के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। हाय, आज मैं आ गई और एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ, वो है मटन श्रिम्प ब्रोकली नूडल्स। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया मैंने। तो ये मैंने प्रॉन्स ले लिया खूब सारा, और मटन को मैं बोनलेस मटन लिया, और मटन को मैंने पहले बॉयल कर लिया। और ये मैंने एग नूडल ले लिया, और ऑनियन को भी लंबा लंबा कट कर लिया, बारीक चॉप किया, और लहसुन ले लिया 1.5 चम्मच, 1 चम्मच अदरक, और 5-6 ग्रीन चिली को भी बारीक चॉप कर लिया। और वेजिटेबल में मैंने ये सब रखा, वेजिटेबल में जो भी आपका मनपसंद वेजिटेबल आप ले सकते हो। मैंने ब्रोकली ले लिया खूब सारा, और कैप्सिकम ले लिया, और गाजर ले लिया, और 1 कप भर के पत्ता गोभी भी मैंने ले लिया। तो ये दरदरा कुटी हुई ब्लैक पेपर, ये मैं 1/2 चम्मच यूज़ करूँगी। सेसमी सीड यूज़ करूँगी मैं 1 चम्मच भर के, और वाइट विनीगर यूज़ करूँगी, और चिली सॉस यूज़ करूँगी, और डार्क सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले नूडल बॉयल करूँगी। तो नूडल बॉयल करने के लिए खूब सारा पानी मैंने बॉयल कर लिया, उसमें मैं बड़े 1 चम्मच नमक डाल दिया, और कुछ बूंदे ऑयल की, ताकि नूडल चिपक ना जाए, एकदम खिले खिले से बॉयल हो जाए। तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें नूडल। तो अभी इस नूडल को बॉयल होने देंगे, 3-4 मिनट लगेगा गर्म पानी में, अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा। तो नूडल बॉयल करने के बाद मैंने पानी से निकल के छन्नी में रख दिया, और एकदम रेडी हो चुका है बनाने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, और सबसे पहले मैं प्रॉन्स को फ्राई करूँगी। तो 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक डाल के मैंने प्रॉन्स को मैरिनेट कर दिया। तो सारा प्रॉन्स को मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल में। अभी फुल फ्लेम पे मैं 3-4 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो 3-4 मिनट फुल फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया प्रॉन्स को, और साइड में रख दिया। अभी बॉयल किया मटन को सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल डाल के मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी। तो मटन को भी 3-4 मिनट फुल फ्लेम पे फ्राई कर लिया और साइड में रख दिया। अभी कढ़ाई में मैंने थोड़ा और ज़्यादा ऑयल डाल दिया, सेम ऑयल पे मैं और 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अभी 1 चम्मच मैं डाल दूँगी सेसमी सीड, तो और मैंने डाल दिया अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, सबको मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। तो लहसुन अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं डाल दूंगी ऑनियन, और ऑनियन के साथ साथ मैं डाल दूंगी सारे वेजिटेबल भी, एक साथ मिक्स करके फ्राई करेंगे। तो अभी मिक्स करके अच्छे से भून लूंगी फुल फ्लेम पे। इन सारे वेजिटेबल को भी मैं 3-4 मिनट अच्छे से भूनूंगी। 3-4 मिनट तक फुल फ्लेम पे मैंने सारे वेजिटेबल को अच्छे से भून लिया, और ऐसे रखेंगे, थोड़ा क्रंची क्रंची भी रहना चाहिए। तो अभी मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक। तो जो हम सॉस डालेंगे, डार्क सोया सॉस, विनीगर, इन सब में भी नमक रहता है, तो पहले हम इसलिए 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे, फिर टेस्ट करके एडजस्ट करेंगे नमक को। तो अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच दरदरा कुटी हुई ब्लैक पेपर, और मिक्स करूँगी। तो वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब मैं सारा प्रॉन्स और मटन के पीस भी डाल दूंगी, और हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। तो अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच वाइट विनीगर, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, और 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं डाल दूंगी नूडल, और मिक्स करूंगी, और हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर दिया हल्के हाथों से, सारा नूडल्स वेजिटेबल के साथ स्वास्थ्य के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मिक्स करने के बाद अब मैं डाल दूंगी फ्रेश धनिया पत्ता, और फिर से मिक्स कर दूंगी।
तो ये बन के रेडी हो चुका है। तो अभी मैं प्लेटिंग करूँगी और टेस्ट करूँगी। तो अभी मैं टेस्ट करूँगी, प्लेटिंग कर लिया मैंने तो इतना खुशबू फैल गया था जब मैं बना रही थी सेसमी सीड की। और सारा मैंने हल्का हल्का फ्राई किया सब कुछ, प्रॉन्स फिर मटन को भी। तो पहले मैं ब्रोकली खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। प्रॉन्स तो मेरे बहुत फेवरेट है। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाया, तो आप लोग बनाओ, बना के खाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा था आज का मेरा ये रेसिपी, और कहाँ से देख रहे हो ये तो ज़रूर बताना। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।